एक मसला है जिसे मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो उलझता ही जा रहा है। बस कोई ऑफिस का मसला है? यूँ समझ लो, ये मसला मेरी जात और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। बहुत चालू है, उसे संभाल के रखना, ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी। क्या क्या हुआ अब्बास, सब खैरियत तो है ना? गोदाम में आग लग गई। आप परेशान मत हो, मेरे पास जितनी भी रकम है ना, मैं अपने अकाउंट से निकाल के आपके कारोबार के लिए सब दे दूंगी। जी जी जानता हूँ शेख साहब, जानता हूँ। अभी तो कुछ अरसे पहले ठीक करवाई थी आपने मोटर, अब देखे ना पुरानी भी इतनी हो गई है, मैं तो कहता हूँ नई लगवा लें। अच्छा चले ठीक है, मैं भेजता हूँ वो ठीक कर दे। हाँ मैं भेज। अभी छोटे जी उस्ताद, वो है ना अपने शेख साहब मोहल्ले वाले। हाँ वो जो चंदाबाजी के मोहल्ले में रहते हैं ना। इस साले छे बड़ी मालूमात है, चंदाबाजी के मोहल्ले में रहते हैं। उनके घर जा, मोटर खराब हुई भी है जाके देख लेना, कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा हाथ के हाथ ठीक करो, और पैसे अभी के अभी लेके आई हो, समझा? जी उस्ताद। चल जा। पूरा मोहल्ला चंदा को जानता है, हमारे मोहल्ले का चांद है वो। अरे उसने तो अपनी बहन के शौहर को भी नहीं छोड़ा। अब देखो ना, शादी तुमसे कर रही है और 2 लाख रुपए मुझसे मांग रही है। बहुत चालू है वो, उसे संभाल के रखना, ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी। मैं इस तरह काम नहीं कर सकता, मुझे रोज रोज की बकवास खत्म करनी होगी, मुझे इस टेंशन को खत्म ही करना होगा। चंदा जैसी लड़की के लिए मैं अपना मुस्तकबिल खराब नहीं कर सकता। मुझे मसला हल करना होगा। सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आज कौन सा हलवा लेके आयो? आज तो कोई हलवा लेके नहीं आया मैं। क्यों, आज तुम्हारे उस्ताद ने कोई हलवा नहीं भिजवाया? नहीं, आज तो बस मैं ऐसे ही आपसे मिलना आ गया। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। चलो पानी पियो। कैसे लगे समोसे? बहुत मजे के। आपने बनाए हैं? हाँ मैंने बनाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम वाकई यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ वो आपके घर के सामने शेख साहब है ना, तो वो घर छोड़ के उनकी मोटर सही करने आया था। वो आपका गेट देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। चंदा बाजी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा वो क्यों? वो उस दिन आपने मुझे शरबत पिलाया था और मुझसे ढेर सारी बातें भी की थी और मेरा नाम भी रखा था सलमान, याद है आपको? हाँ मुझे सब याद है। मुझसे कभी किसी ने इस तरह बात नहीं की। मेरा जी चाहता है चंदा बाजी कि मैं आपके पास बैठकर आपसे ढेर सारी बातें किया करूं। अच्छा चलो ठीक है, जब तुम्हारा दिल किया करे तुम यहाँ आ जाए करो मेरे पास। सच में मेरा जब भी दिल चाहे मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ? हाँ भले रोज। हर रोज। लेकिन एक मसला है। कौन सा मसला? उस्ताद मुझे रोज यहाँ आने नहीं देगा। लेकिन कोई बात नहीं,
जब भी उस्ताद मुझे किसी काम से बाहर भेजेगा मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। ठीक है, अभी खाओ। आइए सर। मुझे तो लगा कि अब नहीं आएंगे आप। मेरी अपनी कुछ मसरूफियत थी इसलिए थोड़ा I'm sorry, मुझे तुमसे उस दिन ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलती तुम्हारी है, तुम्हें भी ऐसे मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता क्या होता अगर मेरे नेबर्स में तुम्हें को वहां आते जाते देख लेता? सबको पता है कि मेरी बीवी नाराज होकर घर छोड़कर जा चुकी है। ऐसे में अगर तुम्हें वहां कोई देखता तो मेरी बीवी तक ये बात पहुंच जाती और बात और बिगड़ जाती। यही तो मैं चाहती हूं सर। देखो अनिला, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारे वालिद से मेरे बड़े दरीना और गहरे ताल्लुक आता है, यही वजह है कि मैं अभी तक तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रहा हूं, ना तुम्हारी जगह कोई और स्टूडेंट होती तो मैं कब का उसे पढ़ाने छोड़ चुका होता। आई एम सॉरी सर, मगर मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करती हूं खुद को रोकने की, लेकिन जब भी आप मेरे सामने आते हैं मैं बहुत कमजोर पड़ जाती हूं। इस तरह तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगी। अपनी कमजोरियों पर काबू पाने से जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है। देखो अनिला, इस उम्र में ये प्यार मोहब्बत ये जज्बात एहसासात ये सब वक्ती होते हैं, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मेरे लिए ये सब बदलना नामुमकिन है सर। फिर भी आप बोलेंगे तो मैं कोशिश जरूर करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए मुझे। आप प्रॉमिस करें आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मतलब है सर, आप मुझे ट्यूशन पढ़ाना कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन पढ़ाई शुरू करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, ये अब्बास साहब कहाँ रहते हैं? अब्बास? कौन अब्बास? यहाँ तो तीन अब्बास रहते हैं। वो जिनकी बेटी का नाम चंदा है, वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ती है। तुम चंदा को कैसे जानते हो? वो दरअसल मेरी बहन की सहेली है, कुछ सामान ड्रॉप करना था उसे। बेटा मुझे तुम शर्म घर के लगते हो। एक मशवरा है, अगर अपनी इज्जत की सलामती चाहते हो ना तो अपनी बहन को चंदा से बचा के रखो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत ही घटिया लड़की है जिसने अपने माँ बाप और बहन भाई की इज्जत का पास नहीं रखा। और मैंने तो खुद इन अपनी आंखों से देखा था, कमरे में किसी के साथ पकड़ी गई थी। मैं तो कहती हूँ बड़ी हिम्मत है शकीला बेटी की और अब्बास भाई की, जो अब तक उसको अपने घर में रखा हुआ है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? कुछ नहीं शकीला, बस यूं ही अब्बा के बारे में सोच रही थी कि अब्बा ने अपना सब कुछ कारोबार में लगा दिया, यहां तक कि खालिद भाई से भी उधार लेके कारोबार में लगा दिया। और देखो एक ही लम्हे में सब कुछ चल के राख हो गया। क्या अब्बा ने कभी सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा? अनहोनी को कोई कभी नहीं सोचता चंदा, लेकिन मैं सोचने लगी हूं। क्या यही
कि जिस तरह आप अपनी लाख कोशिशों के बावजूद अपना कारोबार नहीं बचा सके, कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए शकीला, कहीं मेरा और उमर का रिश्ता भी लाख कोशिशों के बावजूद खत्म ना हो जाए। खबरदार आइंदा तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी। तुम अपने और उमर के रिश्ते को अब्बा के उस हादसे से क्यों मिला रही हो? ना जाने मेरा दिल इतना क्यों डरने लगा है, कहीं कुछ हो ना जाए, उमर मुझसे नाराज ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा परेशान मत हो। अरे वाह, तुम यहाँ? चंदा से मिलने आए होंगे ना? अब मेरा मतलब है, चंदा है इतनी प्यारी तो। मैं यहाँ अपने काम से आया था, और जरूरी नहीं कि यहाँ आऊं तो चंदा से ही मिलने आऊं। मैं उस दिन चले गए, नाराज हो गए, बगैर के नंबर नंबर दिए। भाई बंदा नंबर नंबर दे देता है रबते के लिए, रिश्तेदारी होने वाली हमारी, हमजुल्फ हो जाएंगे हम लोग यार। वैसे शादी की तारीख नहीं पता चली अभी तक, कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया शादी का? देखो भाई, उस दिन जो सारी बातें मैं बता रहा था ना तुम्हें, मुझे लग रहा है वो तुमने दिल पे ले ली हैं। अब भाई मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें ये बातें तो कौन बताएगा? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें पता हो, ताकि कल को कुछ हो तो ज़हनी तौर पर तुम तैयार हो। अब देखो ना, रिश्तेदारी होने के बाद बंदे को सारी बातें पता चले तो कैसी लगेंगी? क्या हुआ? यही गुस्सा तो चाहिए, इसी गुस्से का इंतजार था मुझे। अगर अपनी इज्जत की सलामती चाहते हो ना, तो अपनी बहन को चंदा से बचा के रखो। बहुत ही घटिया लड़की है जिसने अपने माँ बाप और बहन की इज्जत का पास नहीं रखा। और मैंने तो खुद इन अपनी आंखों से देखा था, कमरे में किसी के साथ पकड़ी गई थी। चंदा, इफ़े तुम आज भी लेट हो गई, पता है तुम्हारा लेक्चर मिस हो गया है। यार ये सब ना भाई की वजह से हुआ है, मैंने इनको बोला भी था कि मैं लेट हो जाऊंगी, लेकिन ये सुनते कब है किसी की। अच्छा अब चलो, वरना और लेट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बहुत टूट कर चाहा था चंदा, सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे दीवाना बना दिया था, अगर तुम्हारे चेहरे की मासूमियत फरेब थी, धोखा थी। काश काश मैं उस दिन तुमसे नहीं मिला होता, तुम्हें नहीं देखा होता, आज इतनी तकलीफ नहीं उठाता, इतना दर्द नहीं सहना पड़ता मुझे। डरने डराने की अदाकारी करना छोड़ दे चंदा,
को अच्छी तरह जानती है, तूने पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी है इसी घर में। ये तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। ये ख्वाब रोज देखता हूँ मैं चंदा, तुझे पाने की ख्वाहिश रोज बढ़ती जा रही है और अपने इस ख्वाब और ख्वाहिश को हकीकत का रूप देकर रहूंगा मैं। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। उमर आया था इस मोहल्ले में, मुझे नहीं लगता वो तुमसे मिला होगा। उमर कब? आज मुलाकात हुई थी मेरी उससे, मैंने उसे पूछा भी कि शादी की कौन सी तारीख रखी है, जवाब ही नहीं दिया, भाग गया। देख चंदा, तेरी मोहब्बत और मेरी ख्वाहिश की शिद्दत एक जैसी है, तुझे अपनी मोहब्बत चाहिए, मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है और इसका एक ही तरीका है, समझौता कर ले मुझसे। तुझे तेरी मोहब्बत मिल जाएगी, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मैं तुझसे वादा करता हूं तेरे उस उम्र से खुद शादी करवाऊंगा। इफ़ी, तुमने उमर को कॉल नहीं की? अम्मी, मैंने दो बार उनको कॉल किए लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं फोन। तो मैसेज कर लेना था बेटा। वो भी कर चुकी हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह खैर करे, कभी इतनी देर तो नहीं की उसने। क्या हो गया अम्मी, छोटा सा बच्चा नहीं है वो जो रास्ता भूल जाएगा? ऑफिस के काम में फंस गया होगा, आ जाता थोड़ी देर में। माँ हूँ मैं, परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगा? उमर बेटा। जी अम्मी। बेटा इतनी देर कर दी, अच्छा खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। इसे क्या हुआ? मैं देखती हूँ। भाई भाई भाई, दरवाजा खोले, मुझे आपसे बात करनी है। फिर प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन बताएं तो हुआ क्या है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अम्मी आपकी वजह से बहुत परेशान हैं। अम्मी को कहो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बॉस की वजह से परेशान हूँ। और प्लीज अब कमरे की तरफ कोई ना आए, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो।